मेयो मेडिकल कॉलेज की इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल काफी मशक्कत के बाद शनिवार को खत्म हुई। इसी बीच मेडिकल कॉलेज के दो निवासी डॉक्टरों से मेडिकल चौक पर मारपीट की घटना होने से आरोपियों को तुरंत पकड़ने की मांग मार्ड ने की है। ऐसा न होने पर मार्ड ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दो डॉक्टर शनिवार शाम मेडिकल चौक पर फल खरीदने के लिए। इसी बीच इंडिगो कार से 3-4 लोग वहां पर आए और निवासी डॉक्टरों से विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने डॉक्टर के साथ मारपीट भी की। घटना के विरोध में मार्ड ने अजनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रात 8 बजे तक दोषियों को पकड़े नहीं जाने पर निवासी डॉक्टरों ने काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी। रमजान महीना होने से दो डॉक्टर रोजा खोलने के लिए फल लेने के लिए शाम करीब 6:30 बजे मेडिकल कॉलेज चौक पर गए थे। फल खरीद कर लौटते समय एक व्यक्ति के पैर में डॉक्टरों से हल्का सा धक्का लग गया। इस पर डॉक्टरों ने माफी भी मांगी। उनके साथ के दो लोगों ने डॉक्टरों से बहस शुरू की। डॉक्टरों ने खुद का परिचय दिया, फिर भी आरोपियों ने और लोगों को बुलाकर डॉक्टरों से मारपीट की। इसी बीच भीड़ जुटती देख आरोपी कार क्रमांक MH 31 DC 5633 से फरार हो गए। जानकारी मिलते ही 100 से अधिक निवासी डॉक्टर चौक पर जमा हो गए। जख्मी डॉक्टर को मेडिकल के कैजुअल्टी में ले जाकर उपचार किया गया। मार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सचल बंसल के नेतृत्व में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। डॉक्टर बंसल ने चेतावनी दी है कि आरोपियों को तत्काल पकड़ा जाना चाहिए, अन्यथा काम बंद आंदोलन करेंगे। आज मेडिकल स्क्वायर पे जो इंसिडेंट हुआ, हमारे दो रेसिडेंट डॉक्टर्स उनको कुछ असामाजिक व्यक्तियों ने बहुत बेरहमे से पीटा है। उसका कारण कुछ पता नहीं, थोड़ी सी मुठभेड़ हुई थी और एज अ जनरल पर्सन, और फिर उनको जब पता चला कि ये दो व्यक्ति डॉक्टर है तो उनका आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया। उनको बहुत बेरहमे से मारा गया। 3-4 लोगों ने पत्थर लेके आए थे और एकदम चढ़ गए आंख पे। और ये ज़्यादा दूर नहीं, मेडिकल स्क्वायर से 50 मीटर के दूर में ये इंसिडेंट्स नहीं हुआ, तो मेडिकल स्क्वायर पे ही ये इंसिडेंट्स हुआ है। तो इससे हम रेसिडेंट डॉक्टर्स का बहुत आक्रोश बढ़ गया है, बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है। बिकॉज यहीं पे पास में रहते हुए भी रेसिडेंट डॉक्टर्स इतना दिन भर काम कर रहे हैं, रेसिडेंट डॉक्टर नहीं बाकी सभी डॉक्टर इतना काम कर रहे हैं, इतना कोविड पैंडेमिक में हेल्प कर रहे हैं, बट इस सब के बावजूद भी उन पे मारहाण होना, और जब ये जनरल मारहाण और फिर ये पता चलने के बाद कि वो डॉक्टर्स है और आक्रोश बढ़ना, ये गलत है। इसके लिए हम बहुत निश्चित करते हैं और हमने इस प्रोटेस्ट के लिए मतलब हमारे सारे इमरजेंसी सर्विसेज विड्रॉ करने का निर्णय लिया है, अनलेस जब तक वो अरेस्ट नहीं होता है। अगर ये अरेस्ट होता है तो हम तुरंत हमारी सारी सर्विसेज वापस ज्वाइन कर लेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।